ये तो भांडे भांडा काम है, इतना इतना गिर जाएगा ये अताउल्ला तारर। मुझे इसका इल्म नहीं था, कम से कम कोई मुझे अंदेशा नहीं था, कोई ये ख्याल नहीं था कि इतना गिर जाएंगे ये। और अताउल्ला तारर अपनी तरफ से नहीं बोलता, सिर्फ उसने प्राइम मिनिस्टर बोलता है, और ये इन्होंने पहले दिन ही कह दिया। जो पहले दिन कहते हैं ना वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये एक एक रूल ऑफ थम है क्रिमिनल लॉ का, जो पहले दिन शोर डाल देना, वो मार के ये उसने मारा उसने किया, वो खुद साजिश में इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरा डिजाइन होता है। मुझे तो इस पे बड़ी बहुत ही रश का है कि किसका पोता है रफीक तारर का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा अच्छा बच्चा था ये, कोई 5 साल पहले ही वॉज द पोलाइटेस्ट ऑफ पर्सन, आज ये खड़ा होके पहले भी नहीं कहता कि जी वो है उसके खिलाफ पर्चा होना है। और भाई पर्चा भी अगर किसी ने कराना है तो आप तो गवर्नमेंट हो, आप किस तरह पहले ही फैसले दे रहे हैं। और ये मैं कोई इसमें तरफदार नहीं हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तरफदार हूँ, मैं उसके के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, और ये ज्यादती है उसके साथ, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त आउट ऑफ पार्लियामेंट, जो अपोजिशन है उनमें से एक बड़ा जुमाया लीडर है, उसके बारे में आप इतनी फुट लूज एंड फैंसी फ्री बात करें कि अभी ये पता नहीं लगा किसने मारा है किसने। एक सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह मोटरसाइकिलिस्ट ने उनको मारा था, शहीद किया था, ये क्वेटा में, और वो हाईकोर्ट आने के लिए आ रहे थे तो उनको गोलियां मार के मोटरसाइकिलिस्ट ने शहीद कर दिया। अब उनकी लाश पड़ी हुई थी अस्पताल में, तो सारे वकला वहां पहुंच गए, वो फिर वकला में एक वकला के मजमे में एक खुदकुश घुसाया और उसने चला दिया, बम चला दिया, और बहुत सारे वकला उसमें शहीद हुए, बाज मोहम्मद खान काकड़ जैसे नुमाया वकील, कायर शाह जैसे बड़े लीडर्स ऑफ दी बार और बड़े इंटेलेक्चुअल बुकरा उसमें शहीद हुए। अब उसको भी आप किसी पे पहले 3 दिन जो लगाता है ना कि ये हुआ है, ये उसने किया, वो खुद उस पर खुद शक जाता है। ये क्रिमिनल लॉ का एक एविडेंस की एप्रिसिएशन का एक असूल है कि पहले दिन रिएक्शन देखते हैं तो किसका क्या रिएक्शन है। और ये आप अगाथा क्रिस्टी के नावल में भी पढ़ लें, जो सबसे ज्यादा शोर डालता है वो लेडी मैकबेथ की तरह खुद कत्ल करके सबसे ज्यादा शोर डालता है वो काफिलों का। तो ये तो अपने आप पे ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये, एक वजीर आजम ने कराया ताकि उसमें फ्रेम किया जा सके। यार कुछ भाई कुछ तो सब्र करो, हया करो, आपको वजारतें मिल गई हैं, आपको वजारत उज़्मा मिली हुई है, आप एक एक जुनून में उसका कितना आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कितना आप कहते हो कितना है वो फला है, वो ढींग है, वो गद्दार है, वो उतना उसका कद बढ़का जा रहा है, उसके साथ लोगों को सिंपथीज हो रही है। मैं तो देखता हूँ उसका एक हवा बना दिया, 6 फुट का इंसान था उसको आज उन्होंने 75 फुट बना दिया, और फिर उससे डरते हैं, ठीक कहते हैं जज भी मतलब है तंग आए ना, हम कौन सारी तंग आई भी, एक आप तो बस आपने एक टारगेट एक पैच हेट है आपका, जो मलबा है उसके पैरों में डालते जाओ, उसके उस पर डालते जाओ जो मलबा है आपका। और भाई लॉ एंड ऑर्डर आपकी आपका काम है, वहाँ सूबाई हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, वफाकी इदारे भी हैं, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप इसको डाल दो। ये मुल्क से भी दुश्मनी है कि आपने एक बंदे को फिक्स कर लिया एज ए टारगेट, और जो हमारे साथ भी ज्यादती हो रही है वो उसके नाम वो करार है। जिस तरह आपने ये 9 मई के नैरेटिव को बनाया है, आख किया है, और फिर उसको इस्तेमाल किया अपनी सियासत से, सिर्फ अपनी सियासत से इस्तेमाल होना,
ये देखो ये कोई अब ये इल्जाम है ये कि उमर का बंदियाल जिससे मैंने एक हरफ एक्सचेंज नहीं किया कि बात की हो यही हो मेरी उससे बात के सर कैसे है वी हैव मेट इन अ ईयर ऑल्सो हमारी मुलाकात नहीं हुई किसी कोई शादी करने पे भी नहीं हुई वो सरगना है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो और एतराज है ये चीफ कैसे मुहैया कर रहे हैं चीफ जस्टिस अपना दफ्तर इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना मीटिंग हो रही है जमान पार्क में मीटिंग हो रही है वहाँ 1 करोड़ रुपया रोजाना एतराज एहसन दे रहा है टू लॉयर कहाँ की बात करते हैं कहाँ की बात क्या मतलब है आप जो चाहे आप कर दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप ये इल्जाम भी लगा रहे सोचें ये क्या किस और आप एक आदमी ने लगाया है मैंने तो कहा है मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है मैंने कहा आई जी साहब आपने इतने आप वो हैं खोजी कहते हैं जो स्पाई और जो ढूंढे खोज लगाए किसी क्राइम का आज तुम्हें खोजी है आप कि आपने 10,000 बंदे को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया जो उनमें से हाई क्लास के लोग हैं उनको आप इजाजत देते हैं कि जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ और कोई सब गुना आपके माफ और जो 10,000 आपने 8,000 बंदे पकड़े हुए हैं सियासी कारकुन है उनमें से बहुत सारे बेगुनाह है उनमें से बहुत सारे उनको आप नहीं गरीबों को नहीं देते ये मौका कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घर चला जाए सारे लाइन लग के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और वो घर जाएंगे उनकी उनकी फैमिलीज को ज्यादा जरूरत है बजाय ये लीडरान की फैमिलीज को उनकी उनकी दिहाड़ी लगी दिहाड़ी पे वो मजदूर है जो ये जो कहते हैं कि हमने ये जियो फेंसिंग की है जियो फेंसिंग क्या की है जिसका जिसके पास जो रहता है वहां जो कोर कमांडर के घर के करीब रहता है जो वहां दुकान करता है जो बैंक में वहां काम करता है जो पेट्रोल पंप पे वहां काम करता है वो भी आपने पकड़ लिया कि जब शहर जो पकड़े गए थे या देखे गए उनके हवाले से कोई कार्रवाई हुई देखिए एक खातून तैयबा राजा की एक वीडियो लाहौर कैंट की मंजरेआम पे आई जिसमें वो दुपट्टा फेंकती है और उसके बाद पुलिस वाले उसको लेके जाते हैं मैं सिर्फ चंद क्लिप्स आपको मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती इखलाकियात इजाजत नहीं देती कि मैं तैयबा राजा के वो क्लिप्स यहाँ पे चला सकूँ वो सेंसर हो जाएंगे तमाम टीवी चैनल्स पे बात ये है कि आप पहले हमला करें उसके बाद गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालें और इतने इतने अलकाबाद से नवाजें तो फिर या तो ये है कि इस बात की खुली इजाजत दे दी जाए छूट दे दी जाए कि जो मर्जी करे जिसके दिल में आए मगर मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूं कि किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई जो लोग ये हमला करने निकले थे उनकी नीयत भी बिल्कुल क्लियर है कोई भी वाकया होता ना उसमें आप नीयत देखते हैं कानून क्रिमिनल लॉ भी है कि कौन किस नीयत से कहां गया था जाने से पहले डंडा पकड़ा हुआ हाथ में वो सनम जावेद खान ने हमारे लीडर को हाथ डाला गिरबान पे हाथ डाला नहीं छोड़ेंगे वो हाथ तोड़ देंगे डंडा हाथ में पकड़ के देखे ना वो फिर फीमेल पुलिस और उसके मुताबिक एसओपी के मुताबिक उसको डील किया जाना चाहिए मैं बिल्कुल इस मामले पे क्लियर हूं मगर इन खवातीन ने मर्द अहलकारों की तरफ वो आप देख सकती हैं उसकी तरफ कोई पुलिस वाला नहीं गया वो खुद चल के मर्दों को उसने प्रॉम्प्ट किया है उसकी मां को गाली दी वहां पे दुपट्टा फेंका और वो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अब ऑब्वियसली मौके पर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो या तो यह है कि फिर बिल्कुल इजाजत दे दी जाए कि जो मर्जी आके स्टेट के अहलकारों को माँ बहन की गालियां दे उनकी माँ बहन की तोहीन करे तो फिर ठीक है बिल्कुल इजाजत मगर एसओपी यही है कि खातून जो है उसको खवातीन अहलकार ही डील करें देखें कानून तो यही है ना कि जो मौके पे था जिसने सारा एक्ट किया है सजा तो उसको मिलनी है ईमा पे 109 का पर्चा होता है कि आपने किसी की ईमा पे ये काम किया उनको भी ऑब्वियसली ट्रायल में शामिल किया जाएगा चलान में उनके नाम लिखे जाएंगे बहुत सारे लोग हैं जब भी मतलूब हैं भागे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में तो इसमें राय तो किसी के साथ नहीं है मगर जुर्म करने वाला और जुर्म की इयानत करने वाला और मावनत करने वाला उनकी सजा बराबर नहीं होती उसमें फ़र्क होता है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया
डे टू डे ट्रायल चला के जिन लोगों ने वो सजा दिलवाई, वो केस में आज भी आप मेरे से बहस करके देख लें, कोई मेरिट नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ ने तो किसी की बहन बेटी को जेल में नहीं बंद किया था, किसी के खिलाफ को मुकदमा तो कायम नहीं किया था, झूठे केसेस बना के लोगों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाया था, सिर्फ नाकर्दा गुनाहों की सजा काटी। जैसे मियां नवाज शरीफ आएंगे इलेक्शन का बिगल बच जाएगा मुल्क के अंदर, बिल्कुल वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक वेट नहीं किया जा सकता। एक ऐसे शहजाद अकबर नामी आदमी जो है उसने 4 साल क्या नहीं किया, और हल्का सा मुश्किल वक्त आया तो बाहर भाग गया। मियां नवाज शरीफ ने अटक किला काटा है, मियां नवाज शरीफ ने जिला वतनियाँ बर्दाश्त की हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। तो ये शहजाद अकबर के साथ एक तो उनको इक्वेट करना नहीं बनता, और शहजाद अकबर जो था, मैं तो पहली पेशेंटगोई की थी कि ये भाग जाएगा जब मुश्किल वक्त आएगा, तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मियां नवाज शरीफ का तो ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, शहजाद अकबर पर तहकीकात के आगाज में ही वो यहाँ नहीं है। तो ये बड़ी लंबी बहस है और एक लीगल बहस।